अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अशुमान। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई फिरनी। जस्ट 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगी झटपट से। ये इंस्टेंट जो है इसकी रेसिपी है। अगर आपके पास बाज़ार की मिक्स फिरनी नहीं है तो आप जल्दी से ही घर पे भी बना सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस में बताना है कि किस तरह मैंने चावल पहले भिगो के रखे थे। आप चाहें तो इंस्टेंटली भी उसको भिगो के ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, और चाहें तो इसको बना के ये पेस्ट या पाउडर जो है ये सेव भी कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, फिरनी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लेना है। उसके लिए मैंने ये 1 कप जो है ये चावल भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिए हुए थे। अभी इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है इसको मिक्सी में डाल के। तो मैं इसका थोड़ा सा इसको पीस लेती हूँ। जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको पीसना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसका। तो ये दानेदार ही रखने हैं हमने चावल थोड़े से। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये चावल मैंने डाल लिए मिक्सी में। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। चावलों को मैंने पीस लिए, इसको डाल देंगे इस तरह से किसी भी पैन, देगची या कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहें। अब इसमें मैं 1/2 ग्लास जो है पानी और ऐड करूँगी, और इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी, ये पानी इसका ड्राई हो गया, अब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसमें दूध ऐड कर देते हैं। 1 लीटर मैंने दूध लिया, साथ ही साथ इसको मिक्स करते जाना ताकि रोटियाँ ना बने। ये देखें, चावल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। ये सारा बिल्कुल दूध जैसा ही लग रहा है, कोई गुठली नहीं है इसमें। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, और फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि नेक्स्ट इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है। जी, ये 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, देखें कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे 1/2 कप इस तरह से। इसको पका लेंगे, अब बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसको। ये क्रीम को पकते हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही इसमें शुगर ऐड करेंगे, वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। और इसको 5 मिनट हम और पकाएंगे। जी, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो चुकी है, बिल्कुल इतना ही गाढ़ा हमने इसको रखना है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। जी, ये हमारी मलाई फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जस्ट 20 मिनट्स में ये रेडी हो चुकी है, और इसके साथ ही ये रेसिपी एंड होती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।